शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 143। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कड़ा फेंको यानी बैंगल थ्रो। तो बैंगल कहते हैं चूड़ी को फेंकना, थ्रो माने फेंकना है ना, कड़ा फेंको। आज कर्मा और गेसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने इस खेल के लिए अपनी मम्मी की लाल और हरे रंग की बिंदियों का एक कागज पर चिपका लिया, यानी कि मम्मा की जो लाल और हरी बिंदियां थी जो वो माथे पे लगाती थी उनको उन्होंने एक कागज़ पे चिपका लिया। अगर आपके पास बिंदियां नहीं है तो आप लोग इस तरह से लाल और हरे पेन से कलर से डॉट भी बना सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए है ना। कर्मा ने मम्मी का एक कड़ा लेकर उसे कागज़ पर फेंका, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए उसने एक कड़ा फेंका। कड़े के अंदर जितनी बिंदियाँ आईं उसको इन्होंने क्या करा, स्कोर बोर्ड पर लिखा, उन्होंने उसे स्कोर बोर्ड पर लिख दिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लाल जो देखिए यहाँ लिखा है, हरी जो बिंदियाँ हैं, हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंक के बराबर है और हर छोटी हरी बिंदी जो है वो 1 अंक के बराबर है। अब आपको जीतना है तो आपको इसमें लाल बिंदी को लेना है क्योंकि इसके 10 अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने क्या करा, कड़े के अंदर आने वाली बिंदियों को कुछ इस तरह से लिखा। तो लाल बिंदियां जो आई हैं वो 4 आई हैं, तो वो 4 का मतलब हो गया 40। इसी तरह से हरी बिंदियां 4 आई हैं तो 4 का मतलब हो गया 4, क्यों, क्योंकि एक बिंदी बराबर एक नंबर के है, ठीक है। तो कुल अंक कितने हो गए, 4 + 4 तो 40 + 4 तो कितने हो गए 44, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 की एक बिंदी जो लाल की एक बिंदी है वो 10 के बराबर है, तो 4 आए तो 4 × 40 हो गया, और हरी बिंदी 1 के बराबर है तो 4 आई तो वो 4 ही के बराबर रहा, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चार लाल बिंदियां हैं, 1, 2, 3, 4 चार हरी बिंदियां हैं, ठीक है। तो कुल अंक उसके कितने हो गए, 44 हो गए। अब इसी तरह से क्या कहा, कर्मा को तो 44 अंक मिल गए, वे दोनों दो बार कड़े फेंकते हैं, यही रंग उनके आते रहे। तो अब लिखा है नोट कोई बिंदु पूरी तरह से कड़े के अंदर नहीं आता है तो उसे नहीं गिनना है, यानी अब अगर कोई बिंदु ऐसा है जो कड़े के अंदर पूरी तरह से नहीं आ रहा है, वो हल्का सा कड़े पे दिख रहा है बाकी पूरा बाहर है, तो आपको उसको नहीं गिनना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कड़े फेंकने का क्रम संख्या, तो पहला किसने फेंका, तो पहली बार जब कर्मा ने फेंके तो उसके 44 अंक मिले, ठीक है। इसी तरह से जब दोबारा में गेसर ने फेंका तो उसको 13 अंक मिले, तो इसमें कौन जीता, कर्मा जीती। जबकि दूसरे राउंड में अगर देखें तो कर्मा को कितने मिले, 16 मिले, जबकि गेसर को कितने मिले, 32 मिले, तो दूसरे राउंड में गेसर जीते, ठीक। तो अब यह आपको दोनों राउंड के दिखा दिए गए हैं। अब आपसे कहा गया है अब आप भी इस खेल को अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं, अपने और परिवार के अन्य सदस्यों की हर फेंक पर पाए गए अंक लिखिए और विजेता भी बताइए। तो अब आपको इस तरह से करना है, तो देखिए पहले राउंड में किसी ने फेंका, मान लीजिए आपने फेंका, आपके कितने आए, या आपके भाई बहन ने फेंका उनके कितने आए, या आपके पापा ने फेंका, मम्मा ने फेंका, या अगर कोई और सदस्य भी है, दादा दादी या कोई और आपके साथ खेल रहा है, तो उनके कितने आए और उनमें से कौन जीता, ये आपको करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले एक पेपर लेंगे, उस पेपर पर लाल और हरे रंग से डॉट बना लेंगे अलग अलग, ठीक है। फिर आप किसी की भी चूड़ी से लेके उसे फेंक सकते हैं, फिर जिसके जो नंबर है, मान लीजिए आपने फेंका आपको मिले 60 नंबर, ठीक है, भाई को मिले 20 नंबर, पापा को मिले 40, मम्मी को मिले 50 और जो अन्य सदस्य खेल रहे तो उनको मिले 10, तो अब इसमें कौन जीता, आप जीते तो आप लिखेंगे मैं जीता, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे राउंड में मानिए आपको 10 मिले, भाई को 20 40 मिल गए, पापा को 60 मिल गए, है ना, मम्मा को 30 मिले, ठीक है, और अन्य सदस्य जो खेल लेते उन्हें 20 मिले, तो अब कौन जीता इसमें, इसमें पापा जीत गए, है ना। तो आपको क्या करना है, तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे हर राउंड को खेलना है, और जो जीतेगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको आपको विजेता बनाना है। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, मज़ा आएगा इस खेल को खेलेंगे आप लोग, और मुझे बताएंगे कि आप कितनी बार जीते। अब यहाँ लिखा है नोट फॉर टीचर, तो आपके टीचर से कहा गया द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी कि जब तक आपको वर्कशीट समझ में ना आए, जैसी वर्कशीट की ज़रूरत है आपको वर्कशीट को समझाएं आपके टीचर। इसके अलावा अभिभावकों को यानी आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों के साथ ऐसे खेल के बारे में बातचीत कीजिए जिसमें हर गिनती का प्रयोग करते हैं, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी आदि, ठीक है। तो ये सब तो आप खेलते ही हैं घर में, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, यदि संभव हो तो ऐसे कुछ और खेल भी बच्चों के साथ खेलिए। तो आप लोग तो खेलते हैं सांप सीढ़ी लूडो, है ना,
तो उससे बताएंगे, आप लोग खेलेंगे कि कितना मज़ा आता है, कैसे खेला जाता है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।